नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बवासीर का एक दवाई बना रहा हूं, जहां पर हम मस्से है बवासीर के, उसमें लगाने के लिए एक क्रीम तैयार करेंगे। उसमें ये तमाम तरह के दवाइयाँ होंगे। ये दोस्तों, ये जो क्रीम है बहुत बेहतरीन है और इसको काफ़ी लोग मेरे YouTube चैनल के वीडियो को देख कर के मुझे लोग मंगा रहे थे दवाई। अब मैं बवासीर के रोगी जो मेरे से उस दवाई को देख करके या इस दवाई को, इस वीडियो को सुन करके जो मेरे से दवाई मंगाएंगे, अब मैं उनको जो वो छाल जो उसको तोड़ करके मैं लोगों को देता था, उसको मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में मैंने डाल दिया। ये रहा इसका पाउडर दोस्तों, ये इसका पाउडर है, मैंने पाउडर बना के दे दिया। अब जितने भी जो बवासीर के जो रोगी है, उस रोगी को मैं ये जो पाउडर है वो उसी छाल को मैंने अंदर स्पॉट तोड़ करके उससे उसके एक्सट्रैक्ट बना करके फिर मैंने दूसरी जो हमारी जो जड़ी बूटी है, जैसे ये जो रसौंत है, ये रसौंत भी इसके अंदर पड़ा है, और ऐसा ही जो ये है, ये नीम के निगोली है, ऐसे करके, और ये जो है इस तरह के जो कुछ दवाई इस पाउडर में पड़ने वाला इधर भी है, तो इसमें मैंने 15-20 तरह की जड़ी बूटी, और वो जड़ी बूटी को पहले पाउडर बना करके फिर उस पेड़ के छाल जो मैं आपको देता था, अकेले उस छाल से काम होता था, लेकिन यहाँ पर मैं उनको ताज़ा आप तक न पहुँचाने के वजह से मैं पहुँचा नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, उसके छाल के एक्सट्रैक्ट निकाल करके फिर उस एक्सट्रैक्ट के साथ मैंने कुछ जड़ी बूटियों को डाल करके मिक्स करके इस तरह से मैंने ये पाउडर तैयार किया। इस पाउडर को रोगी ने सुबह और शाम को आधा आधा चम्मच, या रोगी की तासीर उसकी स्थिति देख करके आधा चम्मच से एक चम्मच हम छाछ यानी जिसे हम लस्सी बोलते हैं, लस्सी के साथ या सादा पानी के साथ इसको हम देंगे। और उसके साथ साथ में अगर आपका मस्सा है, वो मस्सा को बाहर से लगाने वाली जो क्रीम है उसे हम अपने हाथों से बना रहे दोस्तों। ये इसकी जिसकी मैं ये यहाँ पर मैं घोटाई कर रहा हूँ, ये इसका नाम है बरकी हड़ताल, ठीक है। तो इसमें एक तो ये रहा दोस्तों, ये फिटकरी रहा, और ये भीमसेनी कपूर है, ये बहुत ओरिजिनल भीमसेनी कपूर है, ये इसको भी हम यहीं पर डालेंगे। ये सफ़ेद कत्था है, ये सोना गिरु है, ये माजू फल है, ये रसों थे। इस तरह से तमाम दवाइयों को हम यहाँ पर डाल करके फिर हम इसमें ये एक ऑयल मैंने निकाला हुआ है, ये बहुत तकरीबन भी इसमें कई सारी जड़ी बूटियों का ये तेल हमने ये निकाला हुआ है। फिर इस तेल को लगा करके हम पहले इसी तेल को सीधा देते थे लोगों को अपने मस्से में लगाने के लिए, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन जब मैं इस तेल को इन तमाम जड़ी बूटियों के इसके ये कपड़ छान इस पाउडर में मिला करके क्रीम बना करके वो क्रीम जब मैंने रोगी को दिया, तो इसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स मुझे नज़र आया। तो जैसे जैसे मांग बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे मैंने ये जो दवाई है इसकी मात्रा भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा मैंने कर दिया। पहले मैंने थोड़े थोड़े मैंने बना करके मतलब कलेक्शन करके बनाया था, लेकिन जैसे ही इसकी जो मांग बढ़ने लगी, लोग फ़ोन करके कहने लगे जनाब मुझे और चाहिए, आसपास में और भी रोगी है इसके, आपके दवाई से अच्छा बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों ये जो है मस्से में लगाने से धीरे धीरे वो मस्सा सूख जाता है बाहर से, ये दवाई आपके अंदर के मस्से अंदर से मस्से को सुखाएगा, ये दवाई बाहर से मस्से को सुखाएगा। ये दवाई में हमने उस पेड़ के छाल के साथ साथ दूसरे हरड़ हो गया, आंवला हो गया, बहेड़ा हो गया, इसमें रसौंत भी है, इसमें और भी बहुत सारे तमाम तरह के जड़ी बूटियों से इसको, ताकि इसके इस्तेमाल से किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन के वजह से, किसी किसी को गैस्ट्रिक होने के वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, बवासीर अक्सर इन्हीं 2-3 कारणों से बवासीर होती है, पेट में होने वाली समस्याओं की वजह से बवासीर होता है, तो इन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए हमने ये दवाई तैयार किया है। इस दवाई की बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि ये किसी भी तरह के रोगी, चाहे वो कफ जनित हो, पित्त जनित हो, वात जनित हो, या किसी भी तरह से होने वाली बवासीर में अच्छा काम करता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और अगर आपको ब्लडिंग होती है बवासीर
कि मस से तो नहीं निकले, लेकिन अगर आपको ब्लडिंग होती है, अगर आपके ब्लड निकलता है मल द्वार से, तो भी ये जो दवाई है आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स। अभी ये मैंने इसको तैयार किया, पीसा है इसको और इसको रगड़ना है इस तरह से। तो मैं कहा चलो पहले मैं ये जो है अपना क्रीम को मैं तैयार करूँ, उसके बाद फिर उसको और रगड़ना होगा उसको। तो इस तरह से है दोस्तों, आपको अगर दवाई की आवश्यकता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8699175212। इस नंबर में आप व्हाट्सअप करके मैसेज कीजिएगा। कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि अभी मैं इसको रगड़ रहा हूँ और मेरा जो मोबाइल है इससे वीडियो भी बन रहा है। तो इस दौरान में मेरा जो मोबाइल है वो लगा लो कि वो बंद हो जाता है, सिम को मैं बंद कर देता हूँ। तो कभी कभी मैं दवाई बना रहा होता हूँ या कभी कभी कोई पेशेंट मेरे सामने आके बैठे होते हैं, कभी कभी मैं कहीं निकल जाता हूँ तो मेरे से फिर आपके फ़ोन को मैं उठा नहीं पाता, तो आप शायद मायूस हो जाते हो। लेकिन मुझे अगर आप इसी नंबर में मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो वो नंबर को मैं कभी भी जब फ्री होऊंगा तो उसको देख करके मैं आपसे खुद संपर्क कर लूँगा। तो दोस्तों ये रहा आपका बवासीर का बेहतरीन एक अति हमारे धर्मशास्त्रों में से निकाला हुआ एक फार्मूला है, इस्तेमाल करिए। अगर आप बवासीर से पीड़ित हो तो निश्चित ही आप इससे ठीक हो जाएंगे, इस दवाई में इतनी खासियत है, इतनी करामत है। दोस्तों एलोपैथिक में तो अभी तक बवासीर के लिए कोई दवाई शायद बने नहीं है, अगर कहीं हो ऐसा तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर मैंने हमारे गुरुओं से भी मैंने सुना था कि बवासीर आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है। तो ये इसका, लेकिन बवासीर दवाई के साथ साथ रोगियों में और हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अब कल एक बहन जी कहने लगे कि जनाब आपकी दवाई ले रही हूँ लेकिन बवासीर मेरे ब्लड फिर आ गया। तो मैंने जब पड़ताल किया, पूछा बहन जी क्या क्या खाए, तो कहते मैंने बाजरे की रोटी खा लिया, दो दिन से सर्दी ज़्यादा है, बाजरे की रोटी। तो मैं आपको बताऊं कि बाजरे की जो रोटी है बवासीर के रोगियों को तो कष्ट देगा ही देगा, जिनको बवासीर नहीं है अगर वो भी कुछ दिन तक बाजरे की रोटी खाए, और अगर आपका पहले से ही पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बवासीर होना पक्की बात है, क्योंकि ये पेट के ही प्रॉब्लम की वजह से बवासीर होती है। तो इस तरह के जो गरिष्ठ भोजन है वो कभी भी बवासीर के रोगियों को नहीं करनी चाहिए। अकेला दवाई शरीर में जाकर के कुछ नहीं करता, दवाइयों को अंदर जाने के लिए और दवाई जब शरीर में जाकर के जब डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो ही दवाई अपना एक विस्तृत और एक बेहतरीन काम करेगा। नहीं तो फिर अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो कम से कम बवासीर में तो तकरीबन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बताए गए परहेज को अगर आप करोगे तो निश्चित मैं आपको ये दवाई दूंगा भी और आप ठीक भी हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपने ऑर्डर करना है तो फिलहाल हमारा दवाई बन के तैयार हो ही जाएगा कल तक। ये काफ़ी लोगों ने इसको मंगाया था तो मैं उनके ऑर्डर पर मैं इस मेडिसिन को घोट रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो आपको चाहिए तो आप भी तुरंत इसको मंगा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए मुझे दे दीजिएगा विदा, जय श्री राम।